बिला उन्वान इनामी कहानी बानिये फरीहा इब्तिसाम। राहेल ने दफ्तर की बड़ी सी दीवारी घड़ी में वक्त देखा, 1:15 बज रहा था। इस वक्त वो दफ्तर में अकेला था। 1 बजे दफ्तर के सब लोग दोपहर के खाने के लिए कैंटीन में चले जाते थे। राहेल भी दोपहर के खाने के लिए अपनी कुर्सी से उठना ही चाहता था कि ऐन इसी वक्त चपरासी अंदर दाखिल हुआ। आपको मैनेजर साहब याद फरमा रहे हैं, राहेल ने आहिस्ता से पूछा, कहीं बहुत ज़्यादा गुस्से में तो नहीं है? लेकिन चपरासी सुनी अनसुनी करके बाहर चला गया। राहेल एक सरकारी मालियाती इदारे के ज़ेरे दफ्तर में मामूली क्लर्क था। उसका काम इदारे की आमदनी और अखराजात और इदारे की तरफ से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए दी जाने वाली सरकारी इमदाद के गोशवारे बनाना था। इस काम के बदले वो वाजबी सी तनख्वाह पाता था, जिससे उसके घर वालों की दाल रोटी चलती थी। रुपए पैसे के मामलात जनरल मैनेजर के हाथ में थे, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में थीं। वो इस सरकारी पैसे में गड़बड़ करता रहता था, और इस तरह बहुत ज़्यादा तनख्वाह ना होने के बावजूद वो ठाट की ज़िंदगी बसर कर रहा था। ऐसा नहीं था कि मैनेजर की इन गलत हरकतों की किसी को खबर ना थी, मगर कोई कुछ कह ना पाता। मातहत मुलाजमीन तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। चंद महीने पहले एक मातहत मुलाजिम ने ईमानदारी का मुजाहरा करते हुए एक अखबारी नुमाइंदे को मैनेजर की हरकतों के बारे में बता दिया था, जो खबर की सूरत में शाया भी हो गई। मगर उस खबर पर कार्रवाई की गई तो सिर्फ इतनी कि बेचारे ईमानदार मातहत को ही गबन के इल्ज़ाम में मुलाजमत से निकाल दिया गया। उससे दूसरे मातहतों को कुछ करने की हिम्मत ना हुई। इस दफ्तर में जनरल मैनेजर से बड़े ओहदे पर कोई था ही नहीं। राहिल इन बहुत सी बातों के बारे में सोचता हुआ मैनेजर के दफ्तर में दाखिल हुआ। खिलाफ मामूल मैनेजर को फिक्रमंद देख कर राहिल समझ गया कि यकीनन कोई ज़्यादा संजीदा मसला है। राहिल को देख कर मैनेजर ने चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, आओ राहिल बैठो, सुबह से काम कर रहे हो, भूख भी लग रही होगी, शायद अभी तक तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? राहिल को मैनेजर के इस लहजे पर बड़ी हैरत हुई। वो मुंह फाड़ कर मैनेजर की तरफ देखने लगा। मैनेजर ने उसकी हैरत को समझते हुए घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और उसे बेहतरीन किस्म का खाना लाने की हिदायत की। चपरासी के जाने के बाद मैनेजर ने राहिल के हैरतजदा चेहरे की तरफ मसनूई अपनाइत से देखा और बोला, राहिल साहब किस दुनिया में खो गए हैं, वापस आ जाइए। राहिल ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और संभलते हुए कहा, ये सब क्या है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैनेजर ने कहा, क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ज़्यादा सोचने की कोशिश मत करो, पहले खाना खाओ फिर बात होगी। थोड़ी देर के बाद चपरासी खाना ले आया। इतने महंगे मज़ेदार और तरह तरह के खाने खिलाने के बाद मैनेजर ने असल मौजू की तरफ आते हुए कहा, राहिल साहब आप तो जानते हैं कि आजकल तनख्वाह में गुजारा कहाँ होता है। आदमी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इधर उधर हाथ पैर तो मारने ही पड़ते हैं। राहिल ने कहा, मैं समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। भाई देखो ना, आज मेरे बच्चे शहर के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें दुनिया की हर नेमत मैसर है। मेरी इस शहर में 2 कोठियाँ हैं, 3 प्लाजा हैं, 1 प्लॉट पर प्लाजा तामीर हो रहा है, मेरे पास 3 उम्दा किस्म की गाड़ियाँ हैं और कई दुकानें भी हैं। मैं जानता हूँ सर, लेकिन राहिल ने कुछ कहना चाहा, मगर मैनेजर बात काट कर बोला, आप ये भी जानते होंगे कि ये सब कुछ मैंने अलादीन के चिराग के जिन की मदद से हासिल नहीं किया। बात यह है राहिल मियाँ कि मैं मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाले फंड में से थोड़ी बहुत रकम इधर उधर करता रहता था। अगर करोड़ों रुपयों में से सिर्फ चंद लाख ले लिए जाएं तो कोई ऐसी बुरी बात तो नहीं है, मगर अब एक मसला आन खड़ा हुआ है। क्या मसला है सर? राहिल ने सआदत मंदी से पूछा। मसला ये है कि हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में गड़बड़ की तहकीकात का काम शुरू करा दिया है, इससे मेरा मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है। बस इस मसले के हल के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। मेरी मदद की ज़रूरत? राहिल ने तकरीबन उछलते हुए कहा। हाँ भाई, गोशवारे बनाना तो आप ही का काम है ना,
मैनेजर ने जुमला अधूरा छोड़कर राहिल की तरफ गहरी नज़रों से देखा और फिर कहा, देखिए राहिल साहब, बात यह है कि आला अफसरान को किसी तरह मेरे बैंक बैलेंस की खबर हो गई है। मशकूक अफसरान की फहरिस्त में मेरा नाम भी शामिल कर लिया गया है। उन्होंने मेरे खिलाफ़ तहकीकात के लिए एक कमेटी भी कायम कर दी है। मैं कमेटी के अरकान के बारे में अच्छी तरह छानबीन करवा चुका हूँ। वो सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ईमानदार हैं। मेरे खिलाफ़ कुछ ऐसे सबूत जमा कर लिए हैं कि मेरा बचना मुश्किल ही नज़र आता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो रकम कम है उसी के हिसाब से नए गोशवारे बना दीजिए। 10-11 के करीब गोशवारे होंगे। आपके लिए तो ये चंद घंटों का काम है। मैं इस काम का इतना मुआवजा दूंगा कि शायद आप सारी उम्र भी ना कमा सकें। जाली मोहरे वगैरह आपको फरहाम कर दी जाएंगी। राहिल साहब, ये दुनिया कुछ दो और कुछ लोग के उसूल पर कायम है। हर इंसान दूसरे का मोहताज है। मुझे कानूनी तहफ़ुज़ की ज़रूरत है जो आप दे सकते हैं, जबकि आपको रुपए की ज़रूरत है जो मैं फरहाम कर सकता हूँ। राहिल ये सब बातें गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि अगर मैनेजर ने बेईमानी ना की होती तो आज इस छोटे से अहदेदार का मोहताज ना होता। मैनेजर ने बात आगे बढ़ाते हुए ज़रा बेतकल्लुफी से कहा, देखो राहिल, मैं जाली गोशवारे खुद भी बना सकता था, मगर जाहिर है कि तहकीकात करने पर तुम उन जाली गोशवारों का भांडा फोड़ देते। वैसे भी इससे पहले तुम्हारे हाथ के बनाए हुए गोशवारे आला हुकाम को भेजे जाते रहे हैं, लिहाजा इन गोशवारों का भी तुम्हारे हाथ का बना होना ज़रूरी है। इस तरह मैं बच जाऊँगा, बल्कि मुझ पर तो कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकेगा। राहिल ने सब कुछ समझते हुए कहा, मगर सर, इस तरह तो मैं फंस जाऊंगा। मैनेजर ने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम पर कौन हाथ डाल सकता है? तुम्हारी तो पोस्ट ही ऐसी है कि तुम पर तो बदउनवानी का इल्ज़ाम लग ही नहीं सकता। तुम्हारे हाथों में तो रकम नहीं आती, बल्कि मेरे हाथों में आती है और मेरे हाथों से तकसीम होती है। मैं तुम्हें मुँह मांगा मुआवजा देने को तैयार हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मगर सर, राहिल ने हिचकिचाते हुए कुछ कहना चाहा तो मैनेजर ने बोली लगा दी, 2 लाख बोलो मंजूर है? 1 लाख पहले दूंगा और बाकी 1 लाख काम होने के बाद। राहिल के लिए 2 लाख वाकई बहुत बड़ी रकम थी। उसने तो इतने रुपए कभी इकट्ठे नहीं देखे थे, मगर वो खामोश था। शायद 2 लाख के तस्वुर में खोया हुआ था। मैनेजर उसकी खामोशी को देखकर यह समझा कि शायद ये राज़ी नहीं है। उसने रकम में इजाफा कर दिया और 3 लाख की पेशकश की। राहिल अब भी खामोश था। 5 लाख, ये आखिरी बात है। अगर अपने आप को बेचोगे तब भी 5 लाख हासिल नहीं कर सकोगे। मैनेजर ने राहिल को गौर से देखा और समझ गया कि वो उलझ रहा है, इसलिए उसने राहिल को 1 दिन सोचने की मोहलत दे दी और कहा कि अभी घर जाकर सोच लो। 5 लाख रुपए कितना पुरकशिश लफ्ज था। वो उसी के बारे में सोचता हुआ घर रवाना हो गया। अपने घर के टूटे फूटे दरवाजे देखकर उसे मैनेजर की कोठी का शानदार गेट याद आया, जिसे वो कई बार देख चुका था। घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र बूढ़े वालिद पर पड़ी, जो तमाम उम्र ईमानदारी का तमगा सीने पर सजाए एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते रहे थे और अब रिटायर होकर बकिया ज़िंदगी घर में गुजार रहे थे। उनके झुर्रियों भरे चेहरे में 2 बेटियों के मुस्तकबिल की फ़िक्र नज़र आ रही थी। राहिल ने अपनी बीवी को देखा, जो घरेलू जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर अपनी उम्र से कहीं बड़ी दिखाई दे रही थी। फिर उसने अपने बच्चों को देखा, जिन्हें उसकी तरह मामूली क्लर्क बना था। घर के सब लोगों ने उसकी परेशानी को भांप लिया था। सभी ने पूछ लिया, मगर वो टाल गया। बहन ने खाने का पूछा तो कह दिया कि दोस्त के यहाँ खाकर आया हूँ। ये कहते हुए उसको वो लजीज खाने याद आ गए जो वो आज ही मैनेजर के एयर कंडीशन कमरे में खा चुका था। उसने अपने आप से कहा, क्या तुम्हारे घर वालों को भी इसी तरह के खाने नसीब हो सकेंगे? क्या वो उनके जायकों को महसूस कर सकेंगे? इसी डगर पर चलते रहे तो कभी नहीं। मगर ऐसा हो भी सकता था अगर वो मैनेजर की बात मान लेता तो। मगर ज़मीर की आवाज़ इस रास्ते में रुकावट बन रही थी। रात को खटमलों और मच्छरों ने सताया तो उसे एक बार फिर 5 लाख रुपए याद आए, जो सिर्फ ये रात गुजरने के बाद उसके अपने हो सकते थे। रात को काफ़ी देर तक इसी कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद आखिर ज़मीर को शिकस्त हो गई और इस आखिरी फैसले के साथ ही वो सो गया। अगले रोज़ दफ्तर पहुंचा तो मैनेजर ने बुलाया।
वो धड़कते दिल के साथ मैनेजर के कमरे में दाखिल हुआ। मैनेजर ने उसके फैसले को सुनकर खुशी का इजहार किया और उसके उतरे हुए चेहरे की रौनक बहार हो गई। उसने राहिल के सामने एक ब्रीफकेस रख दिया और कहा, मुझे यकीन था कि तुम यही फैसला करोगे, इसलिए मैंने रकम का इंतज़ाम पहले ही कर रखा था। गिन लो, पूरे 5 लाखें, एक साथ ही सारी रकम हवाले कर रहा हूँ। देखो, मेरे एतमाद को ठेस मत पहुँचाना, समझे? कितनी अजीब बात थी कि हुकूमत के एतमाद को ठेस पहुँचाने वाला दूसरे से ठेस ना पहुँचाने के लिए कह रहा है। राहिल ने धड़कते दिल के साथ ब्रीफकेस उठा लिया और अपने कमरे में पहुँचा। वहाँ मुतल्लिक का कागजात पहले ही रख दिए गए थे। चंद घंटों के बाद जारी गोशवारे तैयार हो गए। उसके बाद वो दफ्तर के दूसरे काम करता रहा। छुट्टी के वक्त मैनेजर खुद ही उसके कमरे में आया और पूछने लगा, मेरा काम कर दिया सर? राहिल ने कहा। कहाँ है? इधर ही रखा है सर। राहिल ने 2-3 फाइलों को उलटने पुलटने के बाद एक जर्द रंग की फाइल मैनेजर को पकड़ा दी। देख ले सर, काम पूरा है, राहिल ने कहा। तो मैनेजर ने हंसते हुए कहा, इस फाइल को अब तहकीकाती कमेटी के मेम्बरान ही खोलेंगे। मैनेजर ये कहकर वहाँ से चला गया। राहिल ने रकम ब्रीफकेस से निकाल कर अखबार में लपेटी और फिर उसे प्लास्टिक के थैले में डाल लिया। अब वो बड़े आराम से अपने घर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उसने बीवी से कहा, इस लिफाफे को खोले बगैर संदूक में रख दो। उस बेचारी ने ऐसा ही किया। इधर मैनेजर का काम हो चुका था, लिहाजा उसने अपनी 5 लाख की खतीर रकम वापस लेने की खातिर कुछ पेशावर चोरों से रابطہ कायम किया कि वो राहिल के घर से रात को रकम उड़ा लें। रात को राहिल अपने बूढ़े बाप के साथ मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ने गया। वहाँ खासी देर हो गई। उसकी माँ बहनें और बीवी अपने अपने बिस्तरों पर जाकर सो गई। उनके घर में अमीर घरानों की तरह टीवी और केबल सिस्टम तो थे नहीं कि जिनकी खातिर वो जागती रहती। चुनाचा रात के इस पहले हिस्से में ही मैनेजर के भेजे हुए मुसल्ला गुंडे आए। उन्होंने सब घर वालों को सोते देखा तो इत्मीनान से अपना काम किया और वापस चल दिए। राहिल की बीवी और बहनें सारा दिन काम में जुटी रहती थीं, इसलिए वो थक कर इतनी गहरी नींद सोती थीं कि सुबह की खबर लाती उन्हें पता भी ना चला कि घर से 5 लाख रुपये चले गए। मस्जिद में फजर की नमाज़ पढ़कर जब राहिल वापस आने लगा तो उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी जिसने उसके कदम रोक लिए। वो आवाज़ की तरफ चला जो मस्जिद के एक कोने से आ रही थी। वहाँ एक 11-12 साल लड़का अपनी प्यारी आवाज़ में तिलावत कर रहा था। राहिल को अरबी नहीं आती थी मगर आज ये आयत उसके दिल में उतरी जा रही थी। अल्लाह के कलाम ने उसके ज़मीर को झंझोर दिया था। फिर तिलावत की आवाज़ बंद हो गई। लड़का कुरान पढ़ चुका था तो दुआ मांगने लगा। राहिल अजीब सी कैफियत में मुब्तला हो गया था। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह ताला से अहद किया कि वो मैनेजर जैसे जालिम इंसान की मदद नहीं करेगा। मगर अब क्या हो सकता था, अब तो सिर्फ पछतावा ही बाकी था। मगर नहीं, उसके पास मौका था। उसने फैसला कर लिया कि वो 5 लाख रुपये तहकीकाती कमेटी के अरकान के सुपुर्द कर देगा और अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लेगा, क्योंकि इस दुनिया की सज़ा भुगतना आखिरत में सज़ा पाने से अच्छा है। इस फैसले ने उसकी तबीयत में सुकून पैदा कर दिया। वो दफ्तर जाने के लिए तैयार हुआ तो उसे अच्छी तरह याद था कि उसे आज अपने इम्तिहान में पूरा उतरना है। मगर जब बीवी ने ये अफसोसनाक खबर सुनाई कि संदूक खाली है और प्लास्टिक के थैले का नामो निशान तक नहीं है, तो राहिल के पैरों तले से ज़मीन खिसकने लगी। उसका दिल बैठने लगा, मगर उसने बीवी के सामने अपने आप को संभाला और ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट पैदा करते हुए बोला, ओह, मुझे याद आया, मैंने तो वो लिफाफा रात को ही संदूक में से निकाल लिया था। वो बड़ी मुर्दा दिली और मायूसी से दफ्तर की जानिब रवाना हो गया। उसे बड़ा अफसोस हो रहा था कि कुदरत ने उससे नेकी करने का और अपने गुनाह का कफारा अदा करने का कितना अच्छा मौका वापस ले लिया। अब शायद मैनेजर कभी ना पकड़ा जाए जो हराम के पैसों से अपनी तिजोरियाँ भरता रहा था, अभी भरता रहेगा। राहिल को बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी कि उसकी वजह से एक बड़ा शख्स कानून की गिरफ्त से बच निकला। जिस रुपए की लालच में उसके कदम बहके थे वो भी हाथ से जाते रहे, क्योंकि वो रिश्वत का रुपया था, वो किसी से कह भी नहीं सकता था। वो सारा दिन दफ्तर में बैठा काम करता रहा और दिल ही दिल में अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता रहा। दोपहर के वक्त एक क्लर्क भागता हुआ आया और उसने इत्तला दी कि मैनेजर को पुलिस तलाश कर रही है। अरे, ये क्या कह रहे हो तुम?
भला मैनेजर जैसे बड़े आदमी के पीछे पुलिस कैसे लग सकती है? एक और क्लर्क ने कहा। क्यों नहीं लग सकती, मैनेजर तो अपने को पता नहीं क्या समझने लगा था कि जैसे उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, मगर कानून की पकड़ में आ ही गया। इस पर सब ने ज़ोरदार कहका लगाया। राहिल जो ये इतला सुनकर बहुत हैरान हो गया था, उनके बुलंद कहकों से एकदम होश की दुनिया में वापस आ गया और बड़ी बेयकीनी से बोला, सबूत मिला कोई? सबूत तो वो अपने हाथ में लिए फिर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा, खुलकर बात करो, राहिल ने कहा, मगर वो क्लर्क बाहर चला गया। यकायक राहिल के जहन में धमाका सा हुआ। उसने जल्दी जल्दी अपनी मेज़ की दराजें देखनी शुरू कर दी और फिर फाइलों का ढेर खंगाल डाला। एकदम उसके हाथ रुक गए और उसके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी की लहर दौड़ गई। उसको अपने रब की रहमत का यकीन आ गया। उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। उसने गलती से कल मैनेजर को जाली गोशमार वाली जर्द फाइल की जगह असली फाइल दे दी थी। दोनों का रंग एक सा था और एक ही कंपनी की बनी हुई थी, इसलिए पता ही ना चला कि उससे क्या गलती हुई। और ये कि मैनेजर की आंखों और अकल पर पर्दा पड़ गया और उसने फाइल खोलने की तकलीफ ही गवारा न की। राहिल की तौबा कबूल हुई। वो बेख्तियार अपने रब के हुजूर झुक गया कि जिसने उसे सही रास्ता दिखा कर जिल्लत और बदनामी से बचा लिया था।